पलवल जिले में आयकर विभाग की तरफ से लोगों को टैक्स भरने के बारे में जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंची आयकर विभाग की प्रधान आयुक्त अनुराधा मुखर्जी ने कहा कि देश की आबादी 250 करोड़, लेकिन करदाता 4 करोड़ के लगभग एक यह बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि देश व प्रदेश के प्रगति के लिए टैक्स देना अति आवश्यक है। सभी टैक्स का समय पर भुगतान करें। फरीदाबाद पलवल की प्रधान आयुक्त अनुराधा मुखर्जी ने होडल शहर के व्यापारियों के बीच जागरूकता शिविर में बोलते हुए कहा कि आजकल टैक्स की चोरी करने वाला उनकी आंखों से नहीं बच सकता है, क्योंकि आज सभी का डेटा उनके पास होता है। उन्होंने कहा कि इन सेमिनारों से लोगों ने आ रही जागरूकता और एक साल में बढ़े हैं 20,000 करदाता। पलवल जिले में जगह जगह पर आयकर विभाग द्वारा 3 दिवसीय एक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिका प्रधान त्रिलोक चंद अग्रवाल ने की। इस शिविर में मुख्य अतिथि आयकर विभाग फरीदाबाद पलवल की प्रधान आयुक्त अनुराधा मुखर्जी रही। उनके साथ SDM कुमारी प्रीति, आयकर विभाग के ज्वाइंट आयुक्त शिव शुरू, सहायक आयुक्त आदित्य प्रकाश भारद्वाज भी मौजूद रहे। शहर के व्यापारियों ने आयुक्त अनुराधा मुखर्जी जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयकर विभाग की आयुक्त अनुराधा मुखर्जी ने लोगों को टैक्स भरने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से आयकर विभाग का आम लोगों और व्यापारिक वर्ग में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के साथ विभागीय नियमों व प्रावधानों से जागरूक करना है। सभी लोग समय पर रिटर्न भरें तथा एडवांस टैक्स देकर जुर्माने से बचें। विभाग की प्रधान आयुक्त अनुराधा मुखर्जी ने कहा कि देश की आबादी 1.5 करोड़ है, जबकि करदाताओं की संख्या 4 और 5 करोड़ से लगभग 10 तक है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद यह संख्या देश के निर्माण में काफी कम है। शहर के हर व्यापारी को आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए। देश की आबादी का 70% हिस्सा गांव में रहता और विकास के लिए टैक्स देना देश में दान करने के बराबर है। मुखर्जी ने कहा कि इन शिविरों के आयोजनों से पिछले साल की अपेक्षा इस साल फरीदाबाद और पलवल में लगभग 20,000 कर दाता बढ़े हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जिला फरीदाबाद में रिटर्न न भरने की वजह से 3 लोगों के खिलाफ विभाग द्वारा मुकदमा भी दर्ज करवाया जा चुका है, और जो लोग कर नहीं भर रहे हैं उन सभी की जानकारी उनके विभाग के पास रहती है। अब उनकी आंखों से कोई नहीं बच सकेगा, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले। शिविर में मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार, कपड़ा यूनियन के प्रधान रमेश चंद्र गर्ग, खंड शिक्षा अधिकारी जीतपाल सिंह, कश्मीरी लाल गोयल, सेवाराम मंगला, माँ बाबूराम, कैलाश गर्ग, राजेंद्र कुमार, सुरेश गर्ग सहित सैकड़ों की संख्या में शहर के व्यापारी मौजूद थे। जैसे कि मैं सबको यहाँ पे संबोधित करके बता रही थी इस आयोजन में कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 125 करोड़, लेकिन हमारे जो टैक्स पेयर है वो सिर्फ 5 करोड़ के करीब है। ये एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है, और ये आप सबको पता है कि जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसी से देश अपना जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं, वो काम सिर्फ टैक्स पेयर्स की जो टैक्स कलेक्शन है उससे होता है। अब अगर जब हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी कम है तो उससे एक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में बाधा आती है। इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम जितने लोगों की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो टैक्स दें, हम उन लोगों को ये बात समझाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनको वो देना चाहते भी हों तो उनको ये अवेयरनेस नहीं है, उनके दिमाग में ये बात है नहीं कि हमारी ये टैक्स लाइबिलिटी बनती है। जैसे कि अगर TDS कट जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, अब हमको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी उसके बावजूद भी TDS देने के बावजूद भी आपकी एक रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी बनती है। तो हमारा आज का ये उद्देश्य, जो हमारी फरीदाबाद से सारी टीम आई है, हम होडल में, पलवल में, और फिर उसके बाद हम बल्लभगढ़, ये सब जगह पर जाना चाहते हैं।